कानून जो तीन कानून जो किसान के विरोध में जो जो पास किए हैं वो खिलाफ है कानून के। इससे बहुत बड़ा पब्लिक पर, गरीब पर, मजदूर पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। किसानों के लिए तो बिल्कुल एक भी परसेंट उसके फेवर में नहीं बनाए गए, ये बड़े बड़े पूंजीपति के हक में बनाए गए हैं। ऐसा है ना कि जब किसान दुखी है, परेशान है, तो हमारी अपील है कि किसानों को जो परेशानी है उससे सबको परेशानी आने वाली है। जय किसान, जय किसान, किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान सभा जिंदाबाद, किसान सभा जिंदाबाद, किसान सभा जिंदाबाद। अपनी यूनियन, अपना अपनी यूनियन को प्रमोट करने आए हैं कि क्या है कि किस किसानों को कब से डटे हुए सर? हाँ, सभी किसान यूनियन जितने बड़े संगठन है सारे के सारे एक मंच पर है इस दौर में, क्योंकि सारे के सारे जो कानून जो तीन कानून जो किसान के विरोध में जो जो पास किए हैं वो खिलाफ है कानून के। इससे बहुत बड़ा पब्लिक पर, गरीब पर, मजदूर पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है इस कानून से। इसलिए सारे देश का मजदूर और किसान सारा का सारा रेल पटरी पे है, रोड पर है, और जब तक रोड पर रहेगा जब तक ये कानून वापिस नहीं होंगे, बिल्कुल जब तक वापिस नहीं होंगे तब तक रोड पर रहेगा। किसानों पर कितना असर है? किसानों का बहुत असर है। किसानों के लिए तो बिल्कुल एक भी परसेंट उसके फेवर में नहीं बनाए गए, ये बड़े बड़े पूंजीपति के हक में बनाए गए हैं ये तीनों कानून एक दिन का। मैं देख रही हूँ अंकल धोती में डटे हुए हैं, हम लोग स्वेटर पहने हुए हैं, इतना कैसे भाई रात में भी रहते होंगे, कैसे मैनेज करते हैं? रात में रोड पे ही रहते हैं। कैसे ठंड में? तो ठंड अवे से नहीं, जन्म से ही ठंड में गुजर रही है हमारी। तो किसान तो ठंड में भी, रात में, सर्दी में जब कोहरा पड़ता है तब खेत में पानी लगाता है, और जब गेहूं का जो खेत में भरा जब कट जाता है तो हम तो भरे में लेट जाते हैं, हमारा भाई लड़का वो मिट्टी लगाता है पानी रोकने के लिए, तब हमको ठंड नहीं लगती। तो यहाँ ठंड कैसे लग जाएगी? मेहनत बोलती है, मेहनत बोलती है, और मेहनत देख सकते हैं आप। मैं जाऊंगी, आप अंकल को दिखाएं, सर को दिखाएं, दादाजी को दिखाएं कि धोती में भी डटे हुए हैं। यहाँ ठंड है, ये दिल्ली है, धूप भले ही निकली है लेकिन फिर भी यहाँ ठंड है। किसान अपनी मांगों के साथ डटे हुए, अड़े हुए, आप देख सकते हैं सड़कों पर डटे रहेंगे कहा जा रहा है, तो सड़कों पर बैठे हुए हैं सर। यहाँ पे तो मोदी सरकार हाय हाय के नारे लग रहे हैं सर, क्या कहेंगे? चक्का जाम करेंगे क्या, किस तरीके से काम होगा? चक्का जाम किए हुए हैं गाजीपुर बॉर्डर पे, सारा किसान गुस्से में है। ये जो तीनों कानून है इनसे उनका तबाही हो जाएगी, बड़ी बड़ी कंपनियां लूट लेंगी, मंडियां खत्म हो जाएंगी सरकार की, प्राइवेट मंडी आ जाएंगी और किसान के माल को सस्ते में खरीदेंगी और उपभोक्ता को महंगे में देंगी। दूसरा, जो ठेका खेती ला रहे हैं, अब किसान खेती नहीं करेगा, कंपनियां खेती करेंगी, ये बहुत बड़ा खतरा है। इसका मतलब होगा कि किसान खेती से जुड़े तमाम जो धंधे हैं, जिन कुटीर धंधे, पशुपालन और ये दूसरी। देखिए, आपने एम्बुलेंस अभी निकल के गई है और एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया है किसी तरह की, बिना समस्याओं के ये आंदोलन जारी है। क्या लगता है सर, इस तरीके से आप लोगों को दिक्कत हो रही है कि नहीं? जो सड़कें जाम है, एम्बुलेंस जा रही है, बाकी तो चक्का जाम हो रहा है। चक्का जाम कर लेंगे क्या सर, सड़कों में बैठ के इस तरीके से कैसे काम चलेगा? ऐसा है ना, ये जब किसान दुखी है, परेशान है, तो हमारी अपील है कि किसानों को जो परेशानी है उससे सबको परेशानी आने वाली है। जब अन्नदाता परेशान होगा, खेती में अनाज ही नहीं होगा, बड़े बड़े कॉरपोरेट खेती को पूरी को हड़प लेंगे, तो नीचे वाले, ये आने जाने वाले मध्यम वर्ग, ये भी निश्चित तौर परेशान होगा। हमारी उनसे अपील है कि किसानों के लिए एक दिन के उस परेशानी को झेलें। ये हमने अपील पहले की थी साथियों से, हम ये नहीं कि हम सब लोगों को, जो लोग एमरजेंसी में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, कहीं उनके बीमारी है, परेशानी है, उसको हम निकलने दे रहे हैं, ऐसी मानो कोई बात नहीं है। कोरोना पे नहीं कहेंगे, इतनी भीड़ लगा दी है कोरोना में आपने? नहीं, भीड़ नहीं लगाई सब, एक को कोरोना हो गया तो। जब मोदी जी बिहार में बड़ी बड़ी
रैलियां करते तब किसी को कोरोना नहीं होता, किसी का कोरोना टेस्ट नहीं। अगर आज किसान अपने राइट के लिए रोड पे है तो आज कोरोना हो रहा है, लेकिन किसान बहुत समझदार है, सारे जो एडवाइजरी जारी की गई है उसको फॉलो कर रहा है, ऐसा नहीं है। मास्क वगैरह सैनिटाइजर लगाए सर, युवा किसान भी है हमारे साथ, बिल्कुल किसान पुत्र की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मुद्दा सिर्फ किसानों का नहीं है, 80% देश की आबादी से अफेक्टेड है, खाना हर कोई खाता है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, इस देश का मजदूर किसान हो, तो दाना हर किसी को चाहिए, खाना हर किसी को चाहिए, अनाज हर कोई खाता है। ये सिर्फ मुद्दा किसानों का नहीं है, पूरे देश का 125 करोड़ देशवासियों का मुद्दा है ये। और इसके साथ जो मात्र 2 लोगों के लिए ये सरकार चल रही है, ये सरकार नहीं चलेगी, अडानी अंबानी की सरकार नहीं चलेगी। जनता रोड पे आ चुकी है, अगर सरकार को हम बना भी सकते हैं और सरकार को कुर्सी उतार भी सकते हैं, हम ही लोग बिल्कुल बना भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, मगर कोरोना टाइम में आप तो जवान है मगर यहाँ पे बूढ़े लोग भी डटे हुए हैं। मैं आपसे बात करना चाहूंगा, इसी कोरोना की बात कर रहे हैं, अभी हैदराबाद में चुनाव था तो गृह मंत्री जी रैली कर रहे थे, मुख्यमंत्री जी रैली कर रहे थे, बनारस में जाके देव दीपावली मना रहे थे। देश के किसानों का सवाल है, बिहार की हम अगर मान लीजिए आपने गुनाह किया, हमने गुनाह किया, तो आपका गुनाह कम थोड़ी ना हो गया? हमारा कोई गुनाह नहीं, हम कोरोना की सारी गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं, और कोरोना जितनी बड़ी महामारी इन्होंने दिखा रखा है, ऐसा है कुछ नहीं, इन्होंने है तो बना रखा है, हम जिएंगे मरेंगे, हमने घर से कह के आ चुके अपने घर वालों के, हम घर वापस नहीं जाएंगे, हम तो मरने के लिए आए, कोरोना क्या मारेगा, सरकार ने तो हमको पहले ही मार दिया है, जब खाना ही नहीं पाएंगे तो मर जाएंगे, इससे बढ़िया कोरोना से मर जाए। कोरोना क्या मारेगा, सरकार ने पहले ही मार दिया। कहां से है? मैं दिल्ली से हूं। दिल्ली से है आप, किसान के बेटे की तरह किसान पुत्र हूं मैं। कब से आप डटे हुए हैं? आपके 13 दिन हो गए? पहले दिन से यहां पे डटा हुआ हूं, दिन से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, हम तब से के हम यहाँ से जाएंगे, अगर हमारी अर्थी यहाँ से घर तो लगे रहेंगे कैसे, नहीं सरकार झुकेगी, नहीं झुकेगी तो नहीं हटेंगे। यहाँ पे अंकल है, अंकल से बात करेंगे। अंकल यहाँ पे इतनी भीड़ लग रही है, कोरोना चल रहा है, क्या होगा? कोरोना कुछ नहीं, हम लोगों के लिए कोरोना है ही नहीं, ये तो जान बुझ के बनाई गई है कोरोना की बात। कोई दिक्कत नहीं होगी ना, हमें पहले हुई, किसान को कोई दिक्कत नहीं है, सब मेहनत करने वाले हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, जो खाली रहते हैं उनको होती है मोदी जैसे को। दिक्कत किससे है आपको? हमें मोदी से है, मोदी से दिक्कत है, दिक्कत नहीं है। मोदी नहीं तो कौन? मोदी जी तो किसान, किसान का बेटा आएगा राज करेगा। कौन सा बेटा? वो सभी ये राहुल बाबा करने वाले हैं। राहुल बाबा? अरे राहुल बाबा कौन जाने, राहुल बाबा किसको? किसान एकता सब जाने। मोदी नहीं तो कौन? मोदी किसान, किसान मोदी नहीं तो किसान, मोदी भी तो किसान ही कहते हैं। किसान होता तो किसानों की मांगो मांगता, ये किसान नहीं है, उसका किसान का तो नाच खाना है, उसको शर्म नहीं आएगी जब शाम को नाच खाता है, रोटी खाता है? मोदी नहीं तो कौन? मोदी नहीं तो कौन? किसान, मोदी नहीं तो किसान, जैसे कहा जाए यहाँ नारे लगे मोदी नहीं मोदी नहीं, तो हमने भी पूछ लिया मोदी नहीं तो कौन, मोदी नहीं तो किसान, क्योंकि किसान बोलेगा।